अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का मेरा व्लॉग लेट हो गया क्योंकि कुछ दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सीवियर टेम्परेचर की वजह से मैं व्लॉग ना बना सकी। तो आज हमारा प्लान है डायनो वैली जाने का, इसलिए सब ने नाश्ता करके जल्दी से रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। अपना सफ़र रवा दवा करके हम जा रहे हैं डायनो वैली। ये सब बच्चे देखिए, ये सब एक्साइटेड हो रहे हैं डायनो वैली जाने के लिए। सब अर्ली उठे थे क्योंकि डायनो वैली ज़रा दूर है, इसलिए हमारा प्लान ये है कि हम लंच करेंगे मोनाल में और उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे डायनो वैली, क्योंकि डायनो वैली का ज़रा सफ़र जो है वो लंबा है, वो ज़रा दूर है, इसलिए हमने कहा कि बच्चों को लंच करा के ही ले जाए। तो चलिए जी, हम पहुंच गए हैं डायनो वैली। ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम टिकट लेके अब इंटर होंगे और ऊपर जाएंगे, फिर आप सबको भी डायनो वैली का विज़िट कराएंगे। मैंने काफ़ी अरसे से बच्चों के साथ प्रॉमिस किया था कि आप सबको यहाँ लाऊंगी और ये पार्क भी एक्सप्लोर करवाऊंगी। हम स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे रश बहुत है इसलिए हमने गाड़ी ज़रा दूर खड़ी की है। पार्क में आप जैसे इंटर होते हो तो एक बिग सी चिंपैंसी है जिसके साथ स्विंग्स भी लगाए हुए हैं, उनको देखकर बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए हैं और बच्चों ने कहा कि अभी हमने इस झूले में बैठना है। बट मैंने फ़िलहाल बच्चों को मना किया, मैंने कहा पहले इस पार्क को फुल एक्सप्लोर कर लो, पहले सारा देख लो, फिर उसके बाद डिसाइड करना कि कौन कौन से झूले में आप लोगों ने बैठना है। ये देखिए आप हमारे साथ यहाँ पे माशाल्लाह कितने मज़े मज़े के झूले, एक एक कॉर्नर में एक एक इंच के फासले पे यहाँ पे बहुत मज़े मज़े के झूले और राइड्स बनाए गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के डायनासोर्स के आप स्टैचू कह सकते हैं या मॉडल्स कह सकते हैं बनाए गए हैं, जो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये रियल में है। यहाँ पे ये देखिए, ये बेबी डायनासोर और दूसरा मदर और उनके बेबी सब बहुत खूबसूरत लगते हैं। आगे जाते हुए आपको और भी बहुत मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग स्विंग्स और राइड्स नज़र आएंगी। इसमें डायनासोर राइड्स भी हैं जिसपे बच्चे सेपरेटली भी राइड ले सकते हैं और फैमिली के साथ बैठ के भी राइड ले सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मेरे बच्चे इन डायनासोर्स के साथ बहुत हैप्पी हो गए हैं, उनके कज़न्स, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब बहुत खुश हैं। ये देखिए, ये भी एक साइड की एक तरह की राइड है। यहाँ पर बच्चे अब अपनी पसंद का डायनासोर सेलेक्ट कर रहे हैं और हम उनके लिए फिर अभी टिकट परचेज करेंगे ताकि ये बच्चे सब उस पर राइड ले सकें। और हमारे मून शहजादे को तो देखिए, वो बस इस डायनासोर के पीछे ही पड़ा है, इसके साथ खेल रहा है, उसको ये येलो वाला डायनासोर बहुत पसंद आ गया है। यहाँ पर बाकी बच्चे भी इस डायनासोर के पास आ गए मून को खेलते हुए और हमारा शहजादा इसमें बैठा है, उसको ये वाली राइड पसंद आ गई। आगे जाते हुए हमने ये बाकी राइड्स को भी देखा ताकि बच्चों को और भी राइड्स दिखाएं और वो अपनी पसंद के राइड्स ले सके। अब यहाँ पे बच्चों ने फ्राइज देख ली जो बहुत डिलीशियस और यमियस से हम सब ने यहाँ के राइस ट्राई की, खाई, उनको बच्चों को भूख भी लग गई थी और लेट भी हो गया था, सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी एकदम से, तो ऐसे मौसम में गरम गरम फ्राइज़ का मज़ा ही कुछ और है। हम सब ने बहुत ज़्यादा फ्राइज़ को एंजॉय किया, सब बच्चों ने अपने लिए सेपरेट सेपरेट फ्राइज़ ली और एंजॉय की। दो तीन दफ़ा हमने यहाँ के फ्राइज़ खाए, शायद भूख बहुत लगी थी सर्दी की वजह से। यहाँ पर हम ये टॉकिंग ट्री के साथ बैठे थे और ये हमें बहुत मज़े मज़े की स्टोरियाँ सुना रहा था और हम इस माहौल को, इस इन्वायरमेंट को बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर इस ट्री के साथ सब बच्चे बहुत बिजी हो गए थे, कोई वीडियोस बना रहा था, कोई टिकटॉक बना रहा था, कोई पिक्चर्स ले रहे थे। बस सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए मैंने अपने हस्बैंड और अपने भाई को कहा कि चले बस चलते हैं, बट उन्होंने लास्ट में आइसक्रीम भी ट्राई करना चाहिए इसलिए सब ने आइसक्रीम खाई। यहाँ पर सारी लाइटें ऑन हो गई है, ये रात के टाइम का व्यू है यहाँ का और हम सब अब जाने के लिए तैयार हो गए हैं। बहुत लेट हो गया और अब मुझे डर लगने लगा है कि इस ठंड से बच्चे बीमार ना हो जाएं। हम सब नीचे उतर गए अपनी गाड़ी की तरफ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।